अंबाला की सेंट्रल जेल आज सुबह फिर एक बार सुर्खियों में आ गई। दरअसल सेंट्रल जेल के अंदर आज सुबह एक कैदी और एक बंदी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कैदी सुनील अंबाला की सेंट्रल जेल में कत्ल के मामले में सजा याफ्ता था और दूसरा रामदास चोरी के मामले में जेल पहुंचा था, लेकिन इन्हें कोरोना के चलते पैरोल दे दी गई थी और जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते ये दोनों एक बार फिर 8 जून को दोबारा जेल जा पहुंचे थे। वहीं कोरोना के खतरे के चलते इन्हें जेल के अलग बनाए गए क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया था, जहां इन दोनों ने चादर से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए, जैसे कि हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि दो बंदी जो है उन्होंने हैंगिंग कर ली, अपने आप को सुसाइड कर लिया और उनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो किस कंडीशंस में थे, कहां पर सुसाइड किया? देखिए, ये हमारे हॉस्पिटल ब्लॉक में ही थे, मतलब पीछे 24 हमारा है, वहां पे एडमिट थे ये। और कोई ऐसा कारण तो नहीं था कि कोई मेंटली परेशानी या कुछ नहीं, लेकिन घर वालों से, घर में थोड़ा सा इनके थोड़ा, तो घर से आए थे, इन्होंने नोट में राम राम लिखा, कुछ ऐसा तो नहीं था कि कोई मरने वाले कारण। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं, एक्चुअली जो नए, जैसे नए आए थे 7 तारीख को आए थे, तो हमने क्वारंटाइन ब्लॉक बुलाया कि कोई कोरोना वायरस का जेल में जो है एडमिट ना हो जाए, तो हमने एक अलग क्वारंटाइन ब्लॉक बुला रखा है और ये 7 तारीख आए तो हमने इनको वहाँ रखा हुआ था। सर, किस चीज़ से फांसी लगाई? इन्होंने कोई फंदा बनाया था, मेरे ख्याल से शायद फंदा उसका था, ये चादर का उसका फंदा, इन्होंने रोशनदान पे खड़ा होकर फांसी निकाली। आज सुबह जेल में जब गिनती का वक्त आया तो दोनों गिनती में कम निकले, जिसके बाद जेल कर्मियों ने इन्हें जेल में ढूंढा और इस दौरान ये दोनों फंदे से लटके मिले। इसकी सूचना मिलने पर जेल ने बलदेव नगर पुलिस थाने में भी इसकी कार्रवाई के लिए जानकारी पहुंचाई और फिलहाल अब जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की आत्महत्या के कारणों को खंगालने में जुट गया है। अंबाला के SP जेल ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। एक कैदी था जो पैरोल पे पहले गया था और उसके बाद दोबारा वापस आ गया था 8 तारीख को, 7 और 8 की रात को, और उसके साथ सेम केस में एक और अंडर ट्रायल आया था और दोनों को क्वारंटाइन ब्लॉक में रखा हुआ था क्योंकि ताकि बाकी कैदियों के साथ मिक्स नहीं होते, तो दोनों ने सुसाइड किया है। तो अभी एक अंदर न्यायिक जाँच चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी, तो तब तक कुछ भी कहा जाना। हाँ, बस इसके बाद इंक्वायरी के बाद पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही जज साहब जैसे भी ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद होगा। एक तो है जी अंडर ट्रायल प्रिजनर रामदास सन ऑफ चित्तर राम, 35 साल के आसपास लगभग की उम्र है, और एक है कैदी सुनील कुमार सन ऑफ राजकुमार, जिसकी 31 साल की उम्र है। अभी ये 7-8 को दोबारा हमारे जेल में आए थे, इससे पहले भी 9-10 बार रह के गए हुए हैं। पहला अंडर ट्रायल कैदी है जो, और कन्विक्ट वाले को लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, जो कि पैरोल पे गया हुआ था और एक नए केस में वापस आया था। ये आज सुबह 8 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी थाने में कि दो कैदियों ने, दो अंदर जो हमने इसमें स्नैचिंग के केस में पकड़े हुए थे आरोपी, जो जेल में बंद है, जुडिशियल में सेंट्रल जेल के अंदर है, तो उन्होंने सुबह 8 बजे के करीब उन्होंने वो सेल फोन के देखी होगी, तो उन्होंने दो बंदे फांसी पर लटके हुए पाए गए थे और जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एक में से उसका नाम रामदास जो बुलाने का रहने वाला है और दूसरा सुनील है जो साहा का रहने वाला है, जो 6 जून को एक स्नैचिंग हुई थी यहाँ सेक्टर 7 में, उसके संबंध में हमने उसी सेम डे को उनको अरेस्ट किया था और जो अब जेल में है, जिनका पोस्टमार्टम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की कार्रवाई की जा रही है। ये जेल का एक प्रोसेस होता है कि जो जेल में आरोपी जाता है स्टार्टिंग में, उसको कुछ दिन के लिए वो अलग से सेल में रखते हैं, 2-3 दिन करके, तो ये भी उसी के तहत, प्रोविजन के तहत, प्रोसेस के तहत एक अलग से सेल में बंद किए गए थे।